वहीं खंडवा में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बीजेपी की जीत का दावा दोहराया। तो खंडवा में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा कि राहुल गांधी बौखला गए। देखिए, कांग्रेस का भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों, परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की जड़ों से कटे हुए हैं। अब ये कहते हैं इनके नेता, इनके सलाहकार कि कोई चीन जैसा लगता है, कोई नेपाल जैसा लगता है, कोई कहीं जैसा लगता है। अरे हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, एक ही चेतना सब में है और हम सब एक हैं। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। इनका भारत की जड़ों से, माटी से, विचार से, जनता से कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो विदेशी विचारों से प्रभावित होकर काम करते हैं। इनकी सगी जगह भारत नहीं है, इटली है। अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। वीडी शर्मा ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने अनिल फिरोजिया के लिए जनसंपर्क भी किया और लोगों से बीजेपी के समर्थन में वोट देने की अपील की। वहीं ढोल धमाकों के साथ जनसंपर्क निकाला और घर घर जाकर जनता का आशीर्वाद लिया। इंदौर में कांग्रेस की नोटा पॉलिटिक्स पर मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि अगर किसी चुनाव में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल भी जाए तब भी चुनाव कैंसिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नोटा को उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिल जाए तब भी नोटा के बाद जो सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार होगा वही विजयी कहलाएगा। नोटा एक विकल्प है, विकल्प के रूप में जो ईवीएम में जो आखिरी बटन है वो नोटा का है। नोटा कंटेस्टिंग कैंडिडेट नहीं है, निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी नहीं है। तो यदि आप ये समझना चाह रहे हो या जानना चाह रहे हैं कि यदि नोटा को अधिक मत मिल जाए विनिंग कैंडिडेट से, तो वर्तमान प्रावधान में ऐसा नहीं है कि निर्वाचन रद्द हो जाएगा या नोटा को विजयी घोषित कर दिया जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था वर्तमान निर्देशों में नहीं है। भोपाल में वोटिंग के दौरान वीडियो बनाकर पोस्ट करना एक युवक को भारी पड़ गया। मतदान करने के बाद युवक पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस युवक की खोज कर रही है। दरअसल युवक ने मतदान करते समय का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसमें देखा जा सकता है कि वो अपने साथ एक बच्चे से ईवीएम का बटन दबवा रहा है। ये वीडियो सामने आते ही पुलिस ने शख्स पर धारा 188 सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। इसके साथ ही बूथ के पीठासीन अधिकारी समेत अन्य कर्मचारियों को सस्पेंड करते हुए बूथ पर तैनात प्रधान आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया। बस छोड़ दिए, क्या। अब बात श्योपुर की, जहां मुंह बोले बेटे ने मां की हत्या कर दी और हत्या